नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। और भाइयों, आज की वीडियो में आपको एक 50 एचपी में एक परफेक्ट ट्रैक्टर दिखाने जा रहा हूँ। ये है भाइयों आपके सामने महिंद्रा अर्जुन नोवो DI 605 MS। भाइयों, ये ट्रैक्टर 50 एचपी का ट्रैक्टर है। इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स इसमें आपको जैसे आपके जो होते वैसे आपको फीचर्स मिलते हैं। फ्रंट में आप बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर का जो बोनट है इसमें आपको सिंगल पीस बोनट मिलता है। और ये आपको देख सकते हैं आप लोग, आपको हैलोजन इसमें लाइटें मिलती हैं। और बात करें अगर हम इसके एयर क्लीनर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको ड्राई टैप एयर क्लीनर मिलता है। और इसके जो आगे टायर हैं आपको 750/16 के मिलते हैं, आप देख पा रहा हूँ। इसका जो फ्रंट एक्सेल है ये एडजस्टेबल होने वाला है, काफ़ी हैवी दिया हुआ है। अब बात करें इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको बैलेंस टाइप का पावर स्टीयरिंग मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। और आप देख पा रहे होंगे ट्रैक्टर का जो फ्रंट लुक है देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका एक बड़ा मॉडल आता है 57 HP में DII, ठीक है, उसका भी रिव्यू मैं अपने चैनल पर कर चुका हूँ। और इसका जो इंजन है ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर में आता है, आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा 4 सिलेंडर ट्रैक्टर इनलाइन पंप के साथ में आता है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको साइड में टूल बॉक्स मिलता है, ठीक है। इसका जो पायदान है, पायदान बहुत अच्छा मिलता है, इसमें आपको डबल स्टेप वाला पायदान मिलता है। ऐसा पायदान किसी ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर फेंडर दिया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा काम किया है महिंद्रा कंपनी ने, आप देख सकते हैं। इससे स्टेयरिंग में प्ले वगैरह बहुत कम आती है, ठीक है। और ये आपको कंपनी फिट मैट मिलती है। भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर गियर के बारे में तो ये ट्रैक्टर हाई लो मीडियम के साथ में आता है। इसमें आपको एक गियर की 3 स्पीड मिलती हैं, मल्टी स्पीड ट्रैक्टर होने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको 15 गियर मिलते हैं, ठीक है, 15 गियर ट्रैक्टर हैं। और इसका जो डैशबोर्ड है इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसका डैशबोर्ड होने वाला है। इसमें आपको कुछ सेंसर भी मिलते हैं। और इस ट्रैक्टर का जो स्टेयरिंग है ये छोटा स्टेयरिंग होने वाला है जो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और बात करें इसके ब्रेक के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलते हैं, ऑयल मस्ट ब्रेक। और ये डबल क्लच ट्रैक्टर है, इसके जो ब्रेक पैडल हैं काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, सस्पेंडेड वाले जो कारों में आते हैं वही दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है। और इसकी जो लिफ्ट है इसमें आपको 2200 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। ये इसका PC DC लीवर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये आपको दिख रही होगी ये इसकी पैरवाल रेस दी हुई है, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर बनाया है महिंद्रा ने। और ये आप देख पा रहे होंगे इसका PTO क्लच अलग से दिया हुआ है, PTO क्लच यहाँ पे लिखा हुआ है डिसंगेज और ये इंगेज, ठीक है जी। अगर आप ये ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दें, बताएं आप ट्रैक्टर कौन से यंत्र पर चला रहे हैं। और भाइयों, मैं आपको बता दूं ये ट्रैक्टर आपको 4x4 में भी मिल जाएगा। इधर आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको 12 वोल्ट का मोबाइल चार्ज करने का मिल जाएगा, इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, ठीक है। ये बंद करने का हो गया इसका। भाइयों, बात करते हैं ट्रैक्टर के बैक टायर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको बैक टायर 14/28 के मिलते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये 50 HP का ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा है, पिछला हिस्सा इसका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये ट्रैक्टर प्लेंटी ड्राइव में आता है, आप देख सकते हैं प्लेंटी ड्राइव ट्रैक्टर है। और इसमें आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। भाई, इसमें मुझे ये इसकी कमी लगी क्योंकि 50 HP का ट्रैक्टर है तो सभी ट्रैक्टर में आजकल डबल डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है तो कंपनी को इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर देना चाहिए। ये महिंद्रा ने कंजूसी की है थोड़ी सी, इसे कह सकते हैं आप लोग, जैसे आपके यहाँ की मिट्टी है वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और बात करते हैं इसकी SFC के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको लगभग 44.9 HP की PTO पावर मिलती है क्योंकि 50 HP का ट्रैक्टर है और यहाँ पर इसकी SFC दी गई है, आप देख सकते हैं। तो भाइयों, ये था आपके सामने महिंद्रा नोवो 605 DI MS। भाइयों, ये 50 HP का ट्रैक्टर है। आज की वीडियो में मैंने आपको ये ट्रैक्टर दिखाया, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आप बताओ ये ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, कितना डीजल ले रहा है रूटावेटर पे, ठीक है जी। थैंक यू।